नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम जानने के लिए पहुंचे हैं महिंद्रा यूवो 275 DI, जो कि एक 35 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। देखेंगे इसके सभी टेक स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके खासियत और इसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। यहाँ पर आप यूवो 275 DI के प्री क्लीनर को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से सामने में लगा हुआ है। इसमें भी बाकी महिंद्रा के यूवो सीरीज़ के ट्रैक्टर की तरह ही कुछ इस तरह से ही नेट लगाकर दिया गया, वही स्टैंडर्ड वाला, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप इसके हेलोजन हेडलैम्प को देख सकते हैं। इसका जो बोनेट है, सिंगल पुश करने से ही बड़े आसानी से कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसका जो बोनेट है, यह दो गैस रॉड की मदद से बड़े आसानी से ओपन होता है। फ्रंट में आपको कुछ इस तरह से हैवी बम्पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप इसके सामने की बनावट को देख सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह से रॉड लगाया हुआ है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। और रेडिएटर के साइड में यहाँ पर ये रबड़ देखने को भी मिल जाएगा, ये सब वाइब्रेशन को कम करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें 2235 cc का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया हुआ, जो कि बॉश के इनलाइन फ्यूल पम्प के साथ में आता है। और यहाँ पर आप इसके लेबलिंग को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर से आप इसके पूरी बनावट को देख सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह से सभी चीज़ों को अरेंज किया हुआ है। बात करें इसके कूलिंग सिस्टम का, तो इसमें कूलेंट रिजर्वायर के साथ वाटर कूलिंग यहाँ देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप इसके रेडिएटर के बनावट को देख सकते हैं। और इसमें हमें कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा नेट लगाकर दिया हुआ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसको आप ये नॉब को निकाल कर इसको बड़े आसानी से इसका साफ़ सफाई कर सकते हैं। इसमें कूलिंग के लिए हमें प्लास्टिक का फैन देखने को मिल जाता है। बात करें इसके एयर फिल्टर का, तो इसमें प्री क्लीनर के साथ में ड्राई टाइप एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। और यह ड्यूल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर है। और इसमें हमें क्लॉगिंग इंडिकेटर देखने को भी मिल जाता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। इसकी मदद से एयर फिल्टर के चोक होने के कंडीशन में यह आपको बताकर आपकी सहायता करता है। ट्रैक्टर के राइट साइड में आपको बैटरी बॉक्स देखने को मिल जाता है। यह डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में आता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी साइड में हमें यहाँ पर ये अल्टरनेटर देखने को भी मिल जाएगा। और इसका जो स्टार्टर है, यह ट्रैक्टर के लेफ्ट साइड में दिया हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप इसके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को देख पा रहे होंगे, जो कि कुछ इस तरह से दो जगह से निकला हुआ है। और ये इसके मफलर से होते हुए पूरे साइलेंसर में गया हुआ है। यहाँ से आप इसके साइलेंसर के डिज़ाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। ट्रैक्टर के लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर सभी तरह से फ्यूज बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कौन से फ्यूज, कौन से बल्ब और कौन से सेंसर के लिए, वो सभी इसमें बताया गया है। इसकी मदद से आप कभी भी लाइट के ख़राब होने या बंद होने के कंडीशन में आप फ्यूज को चेंज करके खुद से ही इसका देखरेख कर सकते हैं। यूवो 275 का जो कर्ब वेट है, यह 1950 kg का दिया गया है। और इसमें हमें 1830 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। और इस साइड से आप ट्रैक्टर के फुल लुक को देख सकते हैं। बात करें इसके फ्यूल टैंक का, तो इसमें 60 लीटर का फाइबर का डीजल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि आता है दो डीजल फिल्टर के साथ में। बात करें इसके स्टीयरिंग का, तो इसमें बैलेंस टाइप डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप इसके अरेंजमेंट को देख सकते हैं। और ये इसके पंप के रॉड को यहाँ पर आप ये देख पा रहेंगे। और इसमें हमें कुछ इस तरह से स्पिंडल देखने को मिल जाता है। बात करें इसके फ्रंट एक्सल का, तो इसमें एडजस्टेबल टाइप हैवी फ्रंट एक्सल देखने को मिलता है, जो कि आता है सिंगल पॉइंट ग्रीसिंग के साथ में। और यहाँ पर आप इसके मल्टीपल होल्स को देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4। ट्रैक्टर के राइट साइड में हमें इंजन ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाता है। बात करें इसके फॉरवर्ड स्पीड का, तो इसमें 1.45 से 30.61 किलोमीटर पर आवर के मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड देखने को मिल जाएगा। अगर रिवर्स स्पीड को देखें, तो 2.05 से 11.2 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम रिवर्स स्पीड देखने को मिल जाएगा। बात करें यूवो 275 के पावर फिगर का, तो इसमें 35 HP का पावर, 2000 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 139.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। टॉर्क को आसान शब्दों में समझे, तो जिस ट्रैक्टर में जितना अधिक टॉर्क होता है, वह किसी लोड को उतनी ही आसानी से खींच सकता है। ट्रैक्टर के लेफ्ट साइड में यहाँ पर मेटल का टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है। यूवो 275 के प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए यहाँ पर हमें सिंगल स्टेप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ये रेगुलर लाइट देखने को भी मिल जाएगा। तो चलिए ऊपर चढ़कर देखते हैं। यहाँ से आप इसके पूरे प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये रहा इसका फेंडर का चौड़ाई, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। और इसमें बहुत ही बड़े साइज में आपको ये ग्रिल देखने को मिल जाएगा। इसका जो स्टीयरिंग है, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। और अगर बात करें इसके मीटर कंसोल का, तो इसमें हमें नॉर्मल टाइप से मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इसके स्विचेस को देखें, तो यहाँ पर हमें इग्निशन की देखने को मिल जाता है। और ये रहा इसका हैंड थ्रोटल लीवर,
और इसी साइड में ही हमें प्लाउ लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच दिया हुआ है। और अगर इस साइड में देखें तो हमें कॉम्बिनेशन टाइप स्विच देखने को मिल जाता है, जिससे आप सभी लाइट्स को बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी में ही आपको हॉर्न क्लिप बटन देखने को मिल जाता है। और अगर नीचे साइड में देखें तो यहाँ पर हमें ये पार्किंग लाइट के लिए स्विच देखने को मिल जाता है। और ये रहा 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट, और इसमें हमें मोबाइल होल्डर भी दिया हुआ है। और ये इंजन को ऑफ करने के लिए लीवर। अगर इसके प्लेटफॉर्म को देखें तो यह लगभग फ्लैट प्लेटफॉर्म ही दिया हुआ है, जो कि बैठने में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। और इसमें हमें नॉर्मल या पुश टाइप की क्लच पैडल और ब्रेक पैडल दोनों देखने को मिल जाता है। और इसके जो पैडल्स का एक्चुएशन है ये बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया है, यह बिल्कुल ही स्मूथ ऑपरेट होता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। और इसी साइड में हमें यहाँ पर ये रहा एक्सीलेटर पैडल। लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर ये PTO लीवर देखने को मिल जाता है, इसमें 540 स्टैंडर्ड PTO स्पीड दिया हुआ है। राइट साइड में देखें तो यहाँ पर हमें ये पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर दोनों देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये ब्रेक लॉक करने के लिए कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है। और अगर नीचे साइड में देखें तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट लॉक का सुविधा देखने को भी मिल जाता है। और ये जो लीवर है ये बिल्कुल ही आपके पहुँच में है, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको बिल्कुल भी झुकना नहीं पड़ेगा। बात करें इसके गियर बॉक्स का, तो इसमें हाई लो मीडियम के साथ में कॉन्स्टेंट मेंस गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 1, 2, 3, 4 और रिवर्स। इसका मतलब इसमें 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है अपने कैटेगरी के हिसाब से। और अगर आप किसी ऐसे ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं जो कि इस कैटेगरी में है और आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर देता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बात करें इसके क्लच का, तो इसमें 11 इंच का क्लच प्लेट दिया हुआ है, और यह सिंगल और डुअल दोनों ही ऑप्शन में मिल जाता है, आप कोई से भी वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। और अगर इसके ब्रेक्स की बात करें तो इसमें ऑयल इमर्ज्ड ब्रेक देखने को मिल जाता है। ट्रैक्टर के लेफ्ट फेंडर में आपको ट्रैक्टर का लेबलिंग प्लेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप इसके सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसके ये SFC को भी देख पा रहे होंगे। और इसमें 31.5 HP का PTO पावर बताया गया है। और यहाँ पर ये रहा इसका मॉडल नंबर। राइट फेंडर में आपको कुछ चेतावनी देखने को मिल जाएगा, जो कि ट्रैक्टर में और भी बहुत जगह पे लिखा हुआ, जैसा कि आप ये लेफ्ट फेंडर में भी देख सकते हैं। यहाँ से आप इसके सीट को देख सकते हैं, इसमें आपको कुशनिंग ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और इस सीट को आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इस लीवर के थ्रू बड़े आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको ये वार्निंग देखने को मिल जाएगा, जो कि राइट साइड में लगा हुआ है। इसमें हमें टेंडम टाइप पंप देखने को मिल जाता है, इसका मतलब इसी पंप से हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग दोनों ऑपरेट होता है। और यहाँ पर आप इसके हाइड्रोलिक के लिए गए हुए पाइपलाइन को देख सकते हैं। और ये रहा इसका हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर। और नीचे से आपको इसके बनावट को दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। पीछे से आप इसके डिज़ाइन को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रेगुलर टेल लैंप देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और अगर सीट के पीछे में देखें तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर सीट को वेट के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए नॉब दिया हुआ है। और इसी साइड में हमें यहाँ पर बोतल होल्डर देखने को भी मिल जाता है। और ये नीचे में हमें यहाँ पर ये लाइट देखने को भी मिल जाता है। और ये टॉप लिंक को टो करने के लिए दिया गया है। और इस साइड में हमें ये प्लाउ लैंप देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिया गया है। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का, तो इसमें 27.3 लीटर प्रति मिनट ऑयल फ्लो रेट के साथ 1500 kg की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। और यहाँ से आप इसके लोअर लिंक आर्म को देख सकते हैं। और इसमें हमें चैन टाइप का स्टेबलाइज़र चैन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप इसके आर्म को देख पा रहे होंगे। और ये दूसरे साइड का आर्म कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और इसमें हमें ये एडजस्ट करने के लिए भी कुछ इस तरह से अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। इसमें हमें 2-point सेंसिंग के साथ में ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप इसके 2-point सेंसिंग को देख सकते हैं। अगर हमें किसी इम्प्लीमेंट को सॉफ्ट मिट्टी में चलाना होगा तो टॉपलिंग को ये नीचे वाले होल में लगाना पड़ेगा, और हार्ड मिट्टी के लिए ये ऊपर वाले होल में फिट करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंट को रोड पर लाते लाते समय भी आपको हमेशा टॉपलिंग को ये ऊपर वाले होल में ही लगाना चाहिए। इससे ये जो सेंसर है इसकी सेंसिविटी लंबे समय तक बरकरार रहती है, और आपको बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी देखने को मिल जाता है। अगर इसके PTO को देखें तो इसमें 31.5 HP का 6-spline PTO देखने को मिल जाता है, जो कि आता है सिंगल स्पीड 540 के साथ में, जो कि आपको 1810 इंजन रेटेड RPM पर मिल जाता है। इसमें हमें एडजस्टेबल टाइप हिच दिया हुआ है, इसको आप अपने ज़रूरत के अनुसार इन होल्स के थ्रू इसके हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हमें कुछ इस तरह से टोचन पॉइंट देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसके पीछे साइड को देख पा रहे होंगे कि इसमें सभी चीज़ों को अपने कैटेगरी के हिसाब से कितना अच्छा
हैवी डिज़ाइन किया अगर इसके रियर एक्सल को देखें तो इसमें हमें आधुनिक जमाने का रिसाइक्लिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में रियर एक्सल देखने को मिल जाता है, जो कि एक 35 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बात करें इसके टायर साइज का, तो इसमें 6016 के फ्रंट टायर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप इसके रिम के डिज़ाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर बात करें रियर टायर का, तो इसमें 13628 के बड़े रियर टायर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आप इसके रिम के डिज़ाइन को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए आपको इसको स्टार्ट करके इसका आवाज़ सुनाते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। ये रहा इसका रिस्पांस, बहुत ही स्मूथ है और आप इसके ये कटिंग को भी देख सकते हैं। तो इतने सारे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं आपको महिंद्रा युवो 275 DI में। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। और आप में से किसी किसान भाइयों के पास में ये ट्रैक्टर पहले से ही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने वह ट्रैक्टर कब ख़रीदा था। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।